अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद जो है ये पीएचडी स्कॉलरशिप एक चाइना की तरफ से आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम निंगबो चाइना, यूएनएनसी पीएचडी स्कॉलरशिप चाइना 2019। इसके बारे में डिटेल देना है कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेन एचएससी की वेबसाइट है, वो सीएससी की वेबसाइट है, जहाँ पे ये मेंशन है एप्लीकेशन डेडलाइन 15 मार्च 2019 है। एक मैं आपको इसमें खुशखबरी बताऊँ, जो लोग भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन है, कोई ज़्यादा इसके अंदर चक्कर नहीं है कि आपने क्या करना है। मार्च 15, 2019 स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल टू, इसकी डेडलाइन ये होगी। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फैकल्टी ऑफ बिजनेस है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है। स्कॉलरशिप अवार्ड में क्या होगा, ट्यूशन फी आपकी फ्री होगी, मंथली स्टाइपेंड क्या है, आरएमबी 4500 जो है आरएमबी, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है ये भी। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बनता है, आरएमबी 2PKR ये तकरीबन आपका बनता है 93,315 रुपीज़ बनता है। इसका मतलब है ये हाईली पेड स्कॉलरशिप है, काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है चाइना का। और एक इसके लिए 3 साल की, जैसा कि आपकी एजुकेशन होती है पीएचडी 3 साल की, तो 3 साल के लिए 36 मंथ के लिए अवेलेबल है स्कॉलरशिप इंटरनेशनल नॉटिंगम फ्लॉ। अब कंट्रीज आर अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ, ये सब कुछ है यहाँ पे। इनकी मेन चीज़ है ये फैकल्टी है, कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे गिवन है। फैकल्टी ऑफ बिजनेसेस रेफरेंस कोड उसका ये है, लेंथ ऑफ द स्कॉलरशिप 36 मंथ है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज में क्या है, सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट वेलकम टू द क्वालिटी एप्लीकेशन फ्लॉ फ्लॉ, ये आपने पढ़ लेना, ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। दी अवेलेबल पी आई डी स्कॉलरशिप, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। फैकल्टी ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इनकी वेबसाइट्स भी गिवन है इनकी यूनिवर्सिटी की, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी ओपन हो जाना है, क्राइटेरिया भी ओपन हो जाएगा। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से आते हैं, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन सा रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे गिवन है, आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं स्कॉलरशिप के एंड पे भी जो है मेंशन कर दूंगा, इसका स्कॉलरशिप का लिंक दे दूंगा। तो ये हो गया पीएचडी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है ये चीज़। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, एप्लीकेशन मस्ट हैव अ फर्स्ट क्लास ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री आर 65% एंड अबव फॉर अ मास्टर डिग्री फ्रॉम अ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी आर द इक्विवेलेंट फ्रॉम देयर अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब कि उसके हिसाब से बनाया गया 65% हो जो उनका क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से आपके अंडर ग्रेजुएट में और उससे अबव होना चाहिए आपका। आइट्स यहाँ पे मस्ट नहीं है, कुछ लोगों का कहना था कि आइट्स मस्ट है, तो अगर आपका मीडियम ऑफ लर्निंग इंग्लिश है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आइट्स की जरूरत नहीं है। अब हाउ टू अप्लाई कैसे है, नो सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, बट प्लीज मेक श्योर यू कोट द स्कॉलरशिप रेफरेंस नंबर इन योर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। इट नॉर्मली टेक्स 5 to 6 वीक्स फॉर अ फाइनल डिसीजन टू बी मेड आफ्टर द क्लोजिंग डेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आप 15 मार्च की लास्ट डेट है तो 5 to 6 वीक्स कितना होगा, तकरीबन 1 मंथ से 1.5 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्ट में जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे उनको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल। हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये चीज़ ओपन होगी, यहाँ पे गिवन है मार्च इनटेक में 14 एप्लीकेशन डेडलाइन क्या थी और रजिस्ट्रेशन डेट थी 14 मार्च 2019। जून एंट्री में क्या थी, 14 अप्रैल 2019 से 14 जून 2019, जुलाई फलां फलां, इस तरह से काफ़ी सारी एंट्री यहाँ पे गिवन है। एप्लीकेशन प्रिपरेशन कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रिसर्च प्रपोजल कोशिश करनी है कि अपने सुपरवाइजर से उस यूनिवर्सिटी के, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया है, जो भी आपका रिसर्च एरिया मैच करता है आपने वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है सुपरवाइजर को, अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाना है। कोशिश कीजिएगा रिसर्च प्रपोजल आपका इफेक्टिव और अच्छा होना चाहिए, करंट रिसर्च की डिमांड के मुताबिक हो, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड कर देने हैं। इसका मतलब ये हुआ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं करनी, आपने हार्ड कॉपीज भी सेंड नहीं करनी, सिंपल आपने इलेक्ट्रॉनिकली उनको ईमेल सेंड करनी है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपीज ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके हैं, 2 रेफरेंस लेटर, और ये रेफरेंस लेटर जो है ये आपके टीचर्स ने सेंड करने हैं, इनको आपने नहीं करने हैं, आपके जो भी प्रोफेसर हैं जो रिकमेंडर है आपने उनको ये ईमेल देनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारे रिकमेंडेशन लेटर हैं आप खुद जो है इस ईमेल को फॉरवर्ड कर दें। इंग्लिश टेस्ट स्कोर है और यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट साथ भेज सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल है क्योंकि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मस्ट है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो है, सीवी है, सीवी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब पर्सनल स्टेटमेंट है, रिक्वायर्ड फॉर द फैकल्टी ऑफ बिजनेस एप्लीकेंट्स ओनली, ये सिर्फ उनके लिए है जो फैकल्टी ऑफ
बिजनेस के लिए अप्लाई करें उनके लिए पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। कॉपी ऑफ योर मास्टर डाइजेस्टर, जो आपने वहाँ पे थीसिस किया है, जो प्रोजेक्ट किया है मास्टर में, आपने उसका बताना है। और इसके बारे में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि पब्लिश पेपर होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, ऑनर्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, आपने उनके बारे में यहाँ पे देना है। आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन क्या होगा, जब आप सेंड करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड की जाएगी ग्रेजुएट स्कूल्स की तरफ से, और जो है ना जो भी चीज़ होगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इसका क्या है जो आपने डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई चीज़ नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आप किसके लिए, आपने किसी के लिए भी अप्लाई नहीं किया इससे पहले, आपने नो पे क्लिक कर देना है। फुल टाइम पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि जो स्कॉलरशिप आप सेलेक्ट करेंगे वो फुल टाइम एप्लीकेंट्स के लिए है। अब प्रपोज्ड एंट्री ऑफ द एडमिशन कौन सा था आपका, जून था, सितंबर था, दिसंबर था, आपने जिसमें भी करना चाहते हैं आपने यहाँ पे वो टिक कर देना, क्योंकि मार्च की डेडलाइन तो गुजर चुकी है, इसकी 14 मार्च थी अगर आप करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि इसका डेडलाइन गुजर गई है, आप नहीं कर सकते। जून वाला आप कर सकते हैं, सितंबर कर सकते हैं, दिसंबर कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल जैसा कि उन्होंने बताया, मिस्टर मिसिज है, सर नेम आपका, फैमिली नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आर यू करंटली वर्किंग एट द UNNC, आपने नो कर देना, नहीं कर रहे आप, ठीक हो गया। आपके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस है और टेम्परेरी एड्रेस है, आपने वो देना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल जो है बहुत एप्लीकेशन, अच्छा फॉर्म। अब हाउ यू इंटेंड टू फाइनेंस योर स्टडीज, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ UNNC PhD स्कॉलरशिप, आपने इस पे यस पे क्लिक कर देना है। प्लीज इफ यू स्पेसिफाई रेफरेंस कोड अप टू द 2 कोड आर अलाउड, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, जैसा कि वहाँ पे कोड गिवन था वो मैंने आपको दिखाए भी थे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे जो है उनके कोड गिवन थे, आप ये देख रहे होंगे, ये है रेफरेंस कोड, ये लिखा हुआ है 1907350 भी बिजनेस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए ये है, और साइंस एंड सोशल के लिए ये है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने मैक्सिमम 2 मांगे, इसका मतलब है कि आप 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस कोड भी दिखा दिया, आपने रेफरेंस कोड लिखने हैं उनके, जिसमें भी आपने यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। If your PhD scholarship application is not successful, do you consider self-funding? आपने नो पे कर देना है, अंडर फंडिंग सोर्स आपके पास कोई भी नहीं है, एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, आपने हाईएस्ट टू लोअर पुट करना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, नेम ऑफ एड्रेस, नेम है, इंस्टीट्यूशन है, एड्रेस है, डेट अटेंडेड टू, डेट पास आउट है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट टेकन के बारे में बताना है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, इज इंग्लिश योर नेटिव लैंग्वेज, आपने नो पे क्लिक कर देना है, इज वॉज इंग्लिश द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर योर फर्स्ट डिग्री, आपने यस पे क्लिक कर देना है, बाकी आपने यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे यूज कर देंगे, जब आप अदर पे आते हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश और मीडियम ऑफ लर्निंग बॉस इंग्लिश। रेफरेंसेस जो रिकमेंडेशन लेटर है आपने उनका देना है, रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2, नेम है, पोजीशन है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे आपने पुट करना है, प्लीज प्रोवाइड अ सेपरेट एंड डिटेल रिसर्च प्रपोजल, आपने रिसर्च प्रपोजल को अलग से करना है, इसमें यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं है। हैव यू ऑलरेडी कॉन्टैक्ट मेड कॉन्टैक्ट विद अ पोटेंशियल सुपरवाइजर एट UNNC, कोशिश कीजिएगा, अभी भी आपके पास जो है काफ़ी दिन अवेलेबल है, आपने कोशिश करनी है कि उनसे कॉन्टैक्ट करना है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी होता तो ऑप्शन है, आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि आप कहते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मेरी मैच नहीं था, मैं अप्लाई नहीं करता, इस तरह से नहीं सोचना, आपने नो पे क्लिक कर देना सिंपल, इफ यस प्लीज गिव दी नेम एंड, अगर तो यस है तो देना, नहीं तो आपने छोड़ देना है। कैरियर हिस्ट्री है ये आपका, जहाँ से जो आपने जॉब्स की जो भी हैं आपने उनके बारे में बताना है, फ्रॉम टू टू है, वर्क एंड पोजीशन क्या थी, नेम ऑफ एड्रेस एम्प्लायर क्या था, अच्छा जी डिसेबिलिटी स्पेशल नीड्स हैं, आपने यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है, फर्दर डिटेल्स अबाउट फलां, डू यू हैव एनी क्रिमिनल, आपने नो पे क्लिक कर देना है, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्कॉलरशिप के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने यहाँ से वन ऑफ देम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप करना चाहें, फेसबुक, ट्विटर, फलां फलां, जहाँ से भी हो आपने एक पे क्लिक आउट कर देना है। अब यहाँ पे ये आपकी अनचेक है, आपने चेक करना है, जो जो चीज़ आपने सेंड करनी है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था, आपने चेक 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 इन सब पे चेक करने के बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स को ये ईमेल गिवन है यहाँ पे, इस ईमेल पे आपने सेंड कर देना है, और सब्जेक्ट आपने लिखना है UNNC PhD स्कॉलरशिप। डिक्लेरेशन है यहाँ पे, नेम आपका होगा, सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर कोशिश कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिकली आपका सिग्नेचर हो, आपने सिंपल नाम नहीं लिखना। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल एप्लीकेशन है, कोई फॉर्म मुश्किल नहीं है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करके आपने गिवन ईमेल पे सेंड कर देने हैं, इनको ईमेल कर देनी है और वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन सब कुछ गिवन है, मैं इस वीडियो के एंड पे जो है आपको वो दिखा देता हूँ कि कैसे क्या और क्या करना है, कौन कौन सी मतलब कि इसका स्कॉलरशिप का लिंक क्या है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकें, टाइम हमारे पास बहुत है, अच्छा है, एप्लीकेशन के लिए कोई हार्ड फॉर्म आपको ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, रिव्यूअर जो है आपका पोटेंशियल जो सुपरवाइज़र, अगर आपने नहीं भी किया तो आपने वैसे भी अपना वहाँ पर लिख दीजिएगा जो आपके सर से मैच करता हो। और एंड पे क्या करना है आपने,
उन जो बस इसको सबमिट कर देना है। और कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें ताकि जो है हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें, नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी हमारी आएँ वो आपके लिए हेल्प आउट साबित हों। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।